हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम देखेंगे बादशाहों का रिव्यू। अजय देवगन की फिल्म बादशाहों का काफ़ी समय से इंतज़ार हो रहा था। मधुर भंडारकर के इंदु सरकार के आने के बाद ये चर्चा हो रही थी कि ये फिल्म इमरजेंसी पर है, लेकिन निर्देशक मिलन लुथरिया ने की फिल्म बादशाहों कुछ अलग है। इसकी पृष्ठभूमि जरूर इमरजेंसी पर रखी गई है, लेकिन कहानी का सरोकार इमरजेंसी से बहुत कम है। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी ओपनिंग कर ली है। फिल्म शुरू होते ही पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और इमरजेंसी के दौर के दृश्य सामने आते हैं। अब देखते हैं फिल्म की कहानी। बादशाहों की कहानी उस समय की है जब आपातकाल लगा था। रानी गीतांजलि यानी इलियाना डिक्रूजा का एक शक्तिशाली नेता से विवाद हो जाता है। अपने पावर का उपयोग करते हुए वह गीतांजलि को का करोड़ों रुपए का सोना जब्त कर लेता है। गीतांजलि को जेल में डालकर सोने को ट्रक के जरिए दिल्ली ले जाने का फैसला लिया जाता है। यह जिम्मेदारी मेजर सेहर सिंह यानी विद्युत जामवाल को सौंपी जाती है, जो बेहद ही काबिल अफसर है। भवानी सिंह यानी अजय देवगन गीतांजलि का वफादार है। गीतांजलि को यकीन है कि वह उसका सोना बचा लेगा। भवानी सिंह एक टीम बनाता है। दलिया यानी इमरान हाशमी उसके लिए कुछ भी कर सकता है। टिकला उर्फ गुरुजी संजय मिश्रा की उम्र हो गई है, वह शराबी है, लेकिन ताला खोलने में वह माहिर है। उसकी उंगलियां चाकू से भी तेज है। संजना यानी ईशा गुप्ता की इस टीम में शामिल हो जाती तो गीतांजलि की वफादार है। जो ये सब मिलकर उस ट्रक को लूटने का मिशन बनाते हैं। क्या ये चारों खजाना लूट पाएंगे? क्या राजकुमारी के पास वह खजाना वापस पहुंचेगा? इसी ताने बाने पर बुनी हुई है ये फिल्म बादशाहों। बादशाहों एक अच्छी फिल्म लग रही है। ये फिल्म क्यों देखनी चाहिए? इस फिल्म के गाने अच्छे हैं। इस फिल्म में कदम कदम पर सस्पेंस है, जो आपको चौंकाने में कामयाब होता है। कुल मिलाकर आपको ये फिल्म एक बार तो देखनी ही चाहिए। अजय देवगन ने शानदार परफॉर्मेंस दिया है। इमरान हाशमी एक अलग ही अंदाज में नजर आते हैं। इलियाना डिक्रूजा एक समर्थ अभिनेत्री है, उन्होंने दर्शकों को बांधे रखा है। और इनके बीच ईशा गुप्ता भी एक अलग ही डायमेंशन में दिखती नजर आती है। ये फिल्म क्यों ना देखे? अगर स्क्रिप्ट पर मेहनत की जाती तो शायद बादशाहों और भी अच्छी फिल्म बन सकती थी। फिल्म को लेकर के लेखक रजत अरोरा के साथ निर्देशन मिलन लुथरिया को थोड़ी और मेहनत की जरूरत थी। क्लाइमेक्स में और मेहनत करने की जरूरत थी। वह चाहते तो शायद फिल्म एक कंप्लीट फिल्म बन सकती थी। कुल मिलाकर अब इस फिल्म को रेटिंग देते हैं। कुल मिलाकर फिल्म को 3 से 3.5 की रेटिंग दे सकते हैं और ये फिल्म देखने में कोई दिक्कत नहीं। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।